हेलो फ्रेंड्स, सीखो सिलाई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ साड़ी में फॉल लगाना। और फॉल है जो मैं अब आपको ये सिलाई वाली मशीन से लगाना सिखाऊंगी, तो आप ध्यान से देखिए। जो लोग हाथ से फॉल नहीं लगा सकते, थोड़ा कम दिखता हो, वो मशीन से फॉल लगा सकते हैं। तो मैं आपको इजी तरीके से ये मशीन से फॉल लगाना सिखाऊंगी। ये फॉल मैंने धोके प्रेस करके ले लिया है। अब इसको मैं जिस साड़ी में पट्टी लगी हो उसका एक साइड का आप फॉल है जो मशीन से लगा सकते हैं, और बहुत ही आसान और इजी तरीके से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो फॉल है उसका एक हिस्सा है जो हमें इतना सा फोल्ड करना है, और उसको ऐसे सेट करके, और जो हमारे मशीन का नीचे की साइड के है, हमारी जो पैर की साइड आता है उस साइड से जहाँ से हम फॉल स्टार्ट करते हैं, उस साइड से हमें इस फॉल को स्टार्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से हमारी लैस कंप्लीट है, और इसी साइड से हम फॉल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं आपको जिस साड़ियों में लैस लगी हो ना, उसमें ये आसान रहता है कि एक साइड का फॉल हम मशीन से लगा लेते हैं। हमने एक ब्लांथ देख के हाथ से इसको छोड़ दिया है, और यहाँ से अब हम फॉल स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ये फॉल ले लिया है, और इसको हमने फोल्ड कर दिया और इसके ऊपर रख दिया है इस तरीके से। और अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेंगे। और सिलाई है जो मशीन की, हमें बड़ी रखनी है ताकि ये फॉल है उसमें झूल ना आए, सल ना आए, इसलिए हमें इसकी सिलाई है जो मोटी ही रखनी है, बारीक नहीं करनी ज़्यादा। ये देखिए इस तरीके से हम इसको लगाते हुए जाएंगे बराबर से। इसी तरीके से हम पूरा फॉल लगा लेंगे, और पूरा फॉल लगाने के बाद हम नीचे का जो जो दूसरा पार्ट है उसको हम हाथ से बखिया करेंगे, और जो ऊपर का साइड है लेस वाला वो हम मशीन से लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फॉल हमारा बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, और एकदम अच्छे से सिलाई आ रही है इसके ऊपर। देखिए बहुत अच्छे से सेट हो रहा है। तो इसी तरह हम पूरा फॉल लगा लेंगे मशीन से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा जो एक साइड का फोल है वो कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट कॉर्नर आ चुका है। इसको हम यहीं ड्रॉप कर देंगे, बंद कर देंगे, और फिर हम नीचे की सिलाई है जो हाथ से लगाएंगे पूरा बकिया करके, मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने यहीं स्टॉप कर दिया है। ये देखिए ये पूरा लग गया है, और नीचे से भी एकदम अच्छे से सिलाई आई है। अब जो ये साइड है, इस साइड का हम बकिया करेंगे, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो फॉल है उसका मैंने सीधी साइड से लिया है, सीधी साइड से हमने हाथ से जमा लिया इसको अच्छे से। और ये देखिए अब हम इस फॉल के ऊपर एक बार कच्ची सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, ताकि हमारा फॉल है जो हिले ना और कोई सलवट ना आए। इसके लिए मैंने इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा दी है कोई भी धागे से। फिर इसको मैं हाथ से बखिया कर लूँगी। एक बार मैं मोटा मोटा ही बखिया लगा रही हूँ, ताकि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये मशीन से लगाया हुआ है या हाथ से लगाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कच्चा कर लेंगे पूरा, ताकि फॉल है जो उसमें कोई भी सलवट नहीं आएगी, और बहुत आसान इसी तरीके से आपका ये फॉल अच्छे से आएगा। जिसको फॉल लगाना नहीं आता है वो भी आसान तरीके से फॉल लगा पाएगा इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा फॉल जम के आ रहा है एकदम। पूरी साड़ी में हम इसी तरीके से कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी साड़ी में जो कच्चा कर लिया धागा, अब मैंने ये लाल रंग का धागा ले लिया है सुई में। अब मैं इसको आपको अच्छे से करके दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से हम बखिया लगाएंगे इसके ऊपर, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे दूसरा जो दूसरा साइड है उस साइड से हम इसको यूँ बखिया लगा लेंगे बारीक बारीक, क्योंकि हमने कच्चा कर रखा है तो आपको बहुत आसान रहेगा, फॉल हिलेगा नहीं उससे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम पूरी साड़ी है जो तैयार कर लेंगे, और इसमें ये फॉल लगा लेंगे, तो आपको आसान रहेगा साड़ी में फॉल लगाना। 5 मिनट आप साड़ी तैयार करके घर पे ही पहन सकते हैं, कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा साड़ी के लिए फॉल लगवाने के लिए, आप खुद से ही तैयार कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत मशीन आ रही हो तो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मैंने ये बखिया लगा दिया। इसी तरह से मैं पूरी है जो फॉल कंप्लीट करके आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो
सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ मैंने इसको स्टॉप कर दिया है, सुई को निकाल लिया है और अब आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से ये फॉल लगा है। ये देखिए बढ़िया तरीके से इसकी सिलाई आई है। ये देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड से अच्छी आई है, एक साइड से मशीन का एक साइड से हाथ की सिलाई है। ये देखिए बहुत अच्छे से आई है। तो अब आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे शेयर करें